का टोल प्लाजा में जो कार्यक्रम किया गया, क्या कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया है? सड़क सुरक्षा अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष अपील के तहत प्रत्येक विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोके जाने के उद्देश्य से आज सेमी टोल प्लाजा पर NHAI और यहाँ के संचालक टोल के पथ और हमारे जिला प्रशासन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय मिस्टर राजकुमार सिंह द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा एक टोल में जो है एक आई कैम्प का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ से गुजरने वाले चालकों का हेल्थ के माध्यम से चेकअप और नेत्र के माध्यम से चेकअप कराना, ताकि उनकी दुर्घटनाओं को रोका जा सके और रोड में एक्सीडेंट में जो इजाफा हो रहा है उसमें कमी लाया जा सके। जो सड़क दुर्घटना का जो सड़क साप्ताहिक या पाक्षिक 19 तारीख से लेकर 6 जून तक जो आयोजन किया जा रहा है, एक पाक्षिक जो है इस पे जो है इसको जो है और सफल बनाया जा सके, इसके तहत ये आयोजन किया गया। कितने लोगों का सर परीक्षण हुआ? जैसा कि अभी PD साहब ने बताया कि 25 लोगों का जो है नेत्र कैंप में जो है आवेदनों का परीक्षण किया गया है, 4-5 लोगों को डॉक्टर के माध्यम से जो है चश्मे भी वितरित किए गए, आई ड्रॉप भी वितरित किया गया है। इसकी कोई पैसा लग रहा है? ये निःशुल्क भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है और जो भी इस तरह के जागरूक कार्यक्रम हैं वो निःशुल्क ही हो रहे हैं, हर विभाग द्वारा जो भी अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं वो सारे निःशुल्क हैं। लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ? ये जहाँ ये चूँकि टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा में प्रतिदिन जो है हजारों सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो ऐसे चालकों का जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको लाभान्वित करने के लिए, ताकि वो अपने वाहन को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचाया जा सके, तो ऐसे चालकों को जो है अवेयरनेस के माध्यम से उनको जो है नेत्र कैंप में जो है उनका परीक्षण किया जा रहा है। के अंतर्गत आई चेकअप कैंप एवं ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत आयोजन किया गया है। ये सेमी टोल प्लाजा पर किया गया है, NHAI एवं पाथ इंडिया के ओर से किया गया है। सर कितने लोगों का आई चेकअप अभी तक? करीब 25 लोगों का आई चेकअप हो चुका है और बाकी अभी चलता रहेगा। ये आज के दिन ये आज के दिन पूरा टाइम शाम तक चलेगा। इसका कोई शुल्क वगैरह है या कोई शुल्क है इसका या नहीं? निःशुल्क किया गया है आयोजन, ये दुर्घटनाओं की कमी करने के लिए किया गया है। मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित? मुख्य रूप से यहाँ पर SDM मोट उपस्थित हुए हैं और बाकी मीडिया कर्मी सभी आए हुए हैं, इसके बाद पुलिस से भी आए हुए हैं और डॉक्टर साहब आए हुए हैं आई चेकअप करवाने, और अधीक्षक और ARTO साहब भी उपस्थित हुए हैं, और पाथ इंडिया के CPM और NHAI की तरफ से कंसल्टेंट भी उपस्थित हुए हैं।